हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेज पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं राशन कार्ड के लिए कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसी के बारे में आज हम आप सभी को जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि आपको राशन कार्ड के लिए प्रति व्यक्ति कितना राशन मिलना चाहिए और किस रेट से मिलना चाहिए। दूसरा चीज की पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दोस्तों कैसे है, हम एक राशन दुकानदार के जगह पे दूसरे राशन दुकानदार से हम कैसे राशन ले सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम आप सभी को पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जारी ये नोटिफिकेशन है और इसमें सभी को ये जानकारी देना है कि प्रति व्यक्ति कितना राशन मिलना चाहिए और किस रेट पे मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को दोस्तों ये जानकारी नहीं होता है। तो डीलर क्या करता है कि अपने मनमानी राशन देना चालू कर देता है और अपने मनमानी रेट भी लेना चालू कर देता है। दूसरा चीज की आपको बांध के रखता है कि आप जब भी राशन लीजिएगा तो मेरे पास से ही लीजिएगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन जारी कर दिया, आप कहीं से भी अपना आधार कार्ड दिखाकर राशन कार्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप आधार कार्ड के माध्यम से राशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आम सूचना, लेकिन ये जो सूचना है दोस्तों सभी के लिए आम सूचना है। उसके बाद से वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत दो श्रेणी अंत्योदय परिवार एवं पूर्वकर्ता प्राप्त के लाभुकों को माह जनवरी 2022 का खाद्यान्न निम्नवत निर्धारित मात्रा एवं दर के अनुसार वितरित किया जा रहा है। तो जैसे कि दोस्तों 2022 जनवरी से इस दर पे राशन का वितरण करना है। तो अंत्योदय श्रेणी के लिए प्रति परिवार, अगर आपके पास पीला राशन कार्ड है, आप अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको प्रति परिवार 14 केजी गेहूं और 21 केजी चावल, कुल आपको 35 केजी राशन मिलना चाहिए। अगर आपको 35 केजी राशन मिल रहा है तो ठीक है, अगर आपके को 35 केजी राशन नहीं मिल रहा है तो आपको एक नंबर भी यहाँ पे जारी किया गया है, इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा चीज की दोस्तों, अगर आपके पास भूरा राशन कार्ड है, पीएचएच, जो पीएचएच भूरा राशन कार्ड बोला जाता है दोस्तों, अगर आपके पास वो राशन कार्ड है तो आपको प्रति लाभुक के हिसाब से 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल मिलना चाहिए, टोटल 5 केजी एक मेंबर के हिसाब से। अगर एक मेंबर है तो 5 केजी मिलना चाहिए, अगर उसमें 5 मेंबर है तो 25 केजी मिलना चाहिए। 25 केजी में दोस्तों आपको 5 मेंबर के लिए 5×10 केजी गेहूं मिलना चाहिए और 5×15 केजी चावल, टोटल 25 केजी आपको राशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों अब जानना है आपको कि किस दर पे आपको पेमेंट उसको करना है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसके लिए सूचना जारी कर दिया गया है। दर प्रति केजी जो है दोस्तों गेहूं का 2 रुपए के हिसाब से और चावल का 3 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अगर इससे ज्यादा का कोई पेमेंट ले रहा है तो आप उसको शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा का पेमेंट आपको नहीं देना है। आपको गेहूं का 2 रुपए केजी देना है और चावल का 3 रुपए केजी देना है, तो इस हिसाब से ही आपको पेमेंट करना है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छा सभी लाभुकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना माह जनवरी 2022 में प्रति माह प्रति लाभुक 5 केजी खाद्यान्न, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल मुफ्त वितरित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा, ये तो हो गया आपके राशन कार्ड पे यूनिट, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 केजी पर मेंबर के हिसाब से आपको अनाज मुफ्त मिल रहा है। इसका कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। तो उसका मुफ्त अनाज जो मिल रहा है दोस्तों, उसमें 2 केजी गेहूं है और 3 केजी चावल है, जो मुफ्त जो फ्री का राशन जो बोला जाता है दोस्तों, वही फ्री का राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आपको मिल रहा है, जो अप्रैल तक मिलेगा। और हो सकता है कि अप्रैल में फिर से डेट बढ़ जाए, अगर डेट बढ़ जाएगा तो फिर से फ्री वाला अनाज मिलना चालू हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो आपको अप्रैल तक मिलेगा। दूसरा चीज यहाँ पे देख सकते हैं, माह जनवरी 2022 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आमंत्रित मुफ्त खाद्यान्न के विवरण की अवधि इतना विस्तारित किया गया है। अतः सभी लाभुक माह जनवरी 2022 के दोनों योजनाओं के खाद्यान्न तक इस अवधि तक प्राप्त कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टेबिलिटी के तहत लाभुकों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी सुविधा से किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप बाधित नहीं होंगे कि उसी राशन डीलर से आप राशन ले सकते हैं, आप कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं, जो आपको सही पैमाने सही तौल और उसके बाद से सही रेट पे जो राशन दे रहा है आप वहाँ से राशन ले सकते हैं, आप अपने स्वेच्छा से कहीं भी से राशन ले सकते हैं। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ हो रहा है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसपे आप शिकायत भी कर सकते हैं। यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न नहीं दिया जाता है तो निकटतम अनुमंडल पदाधिकारी से या विभागीय टोल फ्री नंबर इतना पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का गड़बड़ हो रहा है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपने ब्लॉक के अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें आपको कितना राशन मिलना चाहिए और किस दर पे मिलना चाहिए। तो इसमें हम आपको सभी चीज़ों की जानकारी दे चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स।